अध्यक्ष साहब जो है लोगों को लेके आके करके हाईकोर्ट के आर्डर के खिलाफ, हाईकोर्ट के आर्डर के खिलाफ हमारे खिलाफ आके उन्हों हमारे घर को डिमोलिश कर देता हूँ, तुम्हारे घर को तोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर टूट जाना, तुम्हारा पैसा बुक कर देता हूँ, रोडी शूट ओपन करा देता हूँ, अंकल साहब को बोल के पूरा रोडी शूट ओपन करा देता हूँ। ये सलीम बेग साहब है, ये हमारे एरिया कारपोरेटर नहीं है, हमारे एरिया कारपोरेटर जो है लेडीज है वो अब्दुल रहमान शाह साहब के वाइफ है, उन्हों रेशमा बेगम है उनका नाम, उन्होंने हमारे एरिया के कारपेटर है, उन्होंने ज़्यादातर बाबा नगर में बिजी रहते वो रहमान शाह साहब। और हमारा मुतालबा मीडिया से और हमारे गवर्नमेंट से केसीआर साहब, केटीआर साहब, असद साहब, अकबर साहब से ये मुतालबा है, हमारे साथ इंसाफ होना, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट आप देखिए, देख के आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, अगर तो इंसाफ नहीं हुआ तो बहुत गलत बात होती है। आप हमारे पेपर्स, पूरे पेपर्स आप, मैं आपको दे बोले तो आपको स्कैन कॉपी भी जाता हूँ, आपको हार्ड कॉपी बोले हार्ड कॉपी भी जाता हूँ, आप हमारे डॉक्यूमेंट देख के इंसाफ कीजिए। पूरा टाउन प्लानिंग को मैनेज कर लेके है, कल पूरे टाउन प्लानिंग से ए सी पी मैडम सेक्शन ऑफिसर पूरे लोग आके मेजरमेंट करके गए, कल की डेट में हमारे को मेजरमेंट का पूरा रिजल्ट देते बोले, अभी तक हमारे को मेजरमेंट नहीं मिला। कल मैं वो जो सिद्दीकी साहब बोल के जो सर्वेयर है टाउन प्लानिंग के, सिद्दीकी साहब को मैं कॉल करा, कल 9 बजे तक मिल जाता बोल के बोले थे, लेकिन अभी तक हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई हमारे को मैप नहीं मिला, फिर उधर क्या मैनेज करे क्या है नहीं मालूम। फिर अभी 2-3 दिन लगते, मैं शादी खाने के मामले में बिजी हूँ बोल के सर्वेयर साहब बोले, पता नहीं कल की डेट में हमारे को पूरा जो मेजरमेंट दो घरों का हमारा, हमारे पड़ोसी का जो मेजरमेंट करे वो पूरा मेजरमेंट करके हमारे को दे डालते बोल के बोले थे, कोई मेजरमेंट हमारे को नहीं मिला। तो फिर कल की डेट में कल रात में 8 बजे हमारे को GHMC टाउन प्लानिंग से नोटिस भेज के तुम लोग जो इलीगली टीन शेड लगाए वो टीन शेड 24 आवर्स के अंदर निकाल डालो, नहीं तो हम पूरा डैमेज करके जाते, घर को तोड़ देते, ये तोड़ देते बोल के डरा रहे हमारे को। ये GHMC से नोटिस आई हमारे को, टाउन प्लानिंग से ये GHMC से नोटिस आई। तो हमारे साथ इंसाफ होना, हक पे है हम, हमारे जो पेपर होना है आप पेपर देख सकते हैं, जो पेपर लेना है पेपर ले सकते हैं आप। असद साहब, अकबर साहब, आपके लोग आके ऐसा ज़बरदस्ती बच्चों को उसमें बिठा दिए, नाके में बिठा के बच्चों औरतों पे जुल्म करे, 25-30 आदमी को लाए सलीम बेग, ला के हमला करे हमारे घर पे। असद साहब, अकबर साहब, ज़रा आप इंसाफ करिए, उम्मीद रखना हम लोग, जुलम करें हमारे बच्चों को मारे 2 साल पहले, दूसरे पड़ोसी के जो बच्चे थे मेरे ऊपर अटैक करे, उन लोगों के ऊपर एफ आई आर हुआ, उन लोगों के ऊपर केस बुक हुआ 324, अभी तक वो ट्रायल में है, अभी तक वो पेंडिंग है वो केस। वालेकुम, मैं मोहम्मद दिलावर हुसैन, ये मेरे वालदा है, ये मेरे बड़े भाई है, मैं रियासत नगर इंदिरा नगर से बात कर रहा हूँ। मैं, हमारा घर का नंबर है 18-8-197/1। एक्चुअल क्या है, कल सलीम बेग साहब जो है रियासत नगर के कॉर्पोरेटर है, हमारे घर पे एरिया के कई लोगों को लेके आके कोर्ट का आर्डर हमारे पास रहने के बावजूद भी, हाई कोर्ट का आर्डर रहने के बावजूद भी हमारे घर पे आके DCP डिप्टी कमिश्नर जो GHMC के डिप्टी कमिश्नर मैडम है वो मैडम को लेके आके, कई लोगों को लेके आके हमारे घर पे अटैक करे। वो अटैक करने से पहले प्री प्लानिंग करके हमारे को PS में 4 के 4 भाइयों को सर्कल साहब को बोल के हमारे को PS में अटका दिए। PS में अटकाने के बाद हमारे ऊपर कोई FIR नहीं करे, कोई केस नहीं करे हमारे को, उधर हमारे साथ हमारे को PS में अटका दिए, इधर घर पे आके अटैक करे, पूरे घर वाले हमारे लेडीज डर रहे थे, सब डर रहे थे। एक्चुअल हमारा संतोष नगर पुलिस स्टेशन, ये वजह करने की सलीम बेग साहब का क्या प्लान है क्या है हमारे को नहीं मालूम। जेंट्स पुलिस में रहना, इधर घर पे आके जो भी है प्री प्लान पूरा गेम खेले हमारे साथ। एक्चुअल हमारा ये घर का जो मामला है, देखिए ये 1966 में हमारे वालिद साहब परचेस करे थे लैंड, मीर रियासत अली, नवाब रियासत अली खान जो रियासत नगर के नवाब थे उनसे खरीदे थे। 126 गज ज़मीन है हमारी, और ये हमारी ज़मीन का ये नक्शा है, देखिए ये नक्शे में कोई रोड नहीं है। आपको ये नक्शा मैं आपको पूरा आपको ओरिजिनल नक्शा बता रहा हूँ आपको मैं 100%। बल्दिया से कल GHMC से टाउन प्लानिंग वाले जो हमारा मैप लेके आते हैं, जो मेन लिंक डॉक्यूमेंट लेके आए थे सेम एज इट इज, ये भी लिंक डॉक्यूमेंट सेम एज इट है। एक्चुअल हमारा मेन प्रॉब्लम ये है, हम लोग क्या है 93 में असेसमेंट कराए हमारे घर का, 93 से हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं,
93 से हम करीब करीब 45 साल पहले हम लोग घर बनाए। घर बनाने के बाद हम लोग वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में चीफ फार्मर थे। हम लोग अमरपेड़ जाने के बाद हम लोग यहाँ दो रूम बना के बाकी रिमेनिंग प्लेस जो है पूरा ओपन था हमारा। वो ओपन प्लेस में हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी जो ओपन प्लेस था वो ओपन प्लेस में सामने के हिस्से में 3 फीट बाई करीब 40 फीट वो पूरा कब्जा कर लिया। सलीम बेग साहब से मिलकर हमारे गैर हाजिरी में सीमेंट सीसी रोड डला दिया। सीसी रोड डलाने के बाद हम लोग जब वहाँ से आने के बाद हम सर्वे कराए, घर का सर्वे कराए। सर्वे कराने करने के बाद ये मालूम हुआ कि हमारी टोटल 126 जो ज़मीन है उनके पास भी 3 फीट गई हुई है। उसके बाद हम लोग सिटी सिविल कोर्ट जाके सिटी सिविल कोर्ट में जाके हम लोग केस करे। केस नंबर OS 2334/2019 है। उसके बाद 2 साल से वो केस चल रहा, कोरोना के वजह से पूरा केस पेंडिंग चल रहा था। वो केस चलने की सूरत में हम लोग सबर करे करे आखिरी में हम लोग हाईकोर्ट के पास गए। हाईकोर्ट से रुजू हुए। हाईकोर्ट से रुजू होने के बाद हम लोग हाईकोर्ट से करीब 2 महीने तक इंतज़ार करे। उसके बाद वकील साहब हमारे को हाईकोर्ट से रिट पिटीशन डाल के हमारे को हाईकोर्ट से ऑर्डर दिलाए। वो ऑर्डर मिलने के बाद हम हमारी ज़मीन के ऊपर ऑर्डर हमारी 126 गज जो ज़मीन है रजिस्टर्ड सेल डीड है उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे थे, हमारे कुछ बना रहे थे हम लोग। बनाने के बाद पूरा प्लान करके सलीम बेग साहब